और आइए अब रुख करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि क्या है तकनीकी क्षेत्रों में उभर कर सामने आ रहे करियर के विकल्प। मंदी के लंबे दौर के बाद दिनों दिन उभरती मार्केट कंडीशंस के चलते अब तकनीकी क्षेत्रों में जॉब्स का मार्केट सुधरता नजर आने लगा है, जिसके मद्देनजर एक बार फिर बढ़ने लगी है अच्छे टेक्नोक्रेट्स की मांग। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, दीज डेज दीज सेक्टर्स आर बूमिंग एंड लॉट देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द मार्केट। और अब तकनीकी शिक्षा से जुड़े इन क्षेत्रों में लड़कियों के लिए करियर की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। कंप्यूटर मेरा पैशन था और मुझे कंप्यूटर में आगे जाना था और मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं, जैसे बिल गेट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना सकूं और मैं अपने आप इंडिया को दिखा सकूं कि मैं कुछ बन सकूं। पहले हम लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को बेसिक एजुकेशन देने से ही काम चल जाएगा, लेकिन बाद में तो हमें ये लगा कि जो वुमन फोर्स है उसको हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो उनको टेक्निकल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है ताकि वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर सके। 10+2 के बाद इंजीनियरिंग से जुड़े इन कोर्सेज में दाखिला लेकर आप भी आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वेरियस फील्ड्स में पा सकते हैं स्पेशलाइजेशन। और अब इन क्षेत्रों में बढ़ते स्कोप को देखते हुए तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड कराने वाले संस्थान भी एडवांस कोर्स कंटेंट के साथ लेटेस्ट इक्विप्ड लैब्स, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए इन्हें देते हैं फील्ड के रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम करने का मौका। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल मायने रखता है आजकल के टाइम में। द कंसेप्चुअल, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है वो मैटर करती है। प्रैक्टिकल से यू गेट अ कंसेप्ट क्लैरिटी। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है बच्चों के लिए, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल्स, पूरी लैब, ये सब है। आगे मेरा ये भी विजन है कि एक ऐसी रिसर्च सेंटर भी बनाओ जो कि देश में नाम हो, सरकार का भी, ऐसे साइंटिस्ट भी हों, इन सब का सहयोग चाहिए। जो एक 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 सेइंग है कि व्हेन आई रीड आई लर्न, व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट या टेक्निकल स्टूडेंट के लिए मस्ट है फॉलो करना। और इसीलिए यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी को बैलेंस करके पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल पर उतना ही एम्फेसिस है जितना थ्योरी क्लासेस पर होता है, ताकि हमारे इंजीनियर्स रियल सेंस में इंजीनियर्स होकर यहाँ से एक ब्राइट करियर लेकर बाहर निकले। बदलते दौर और मानसिकता के चलते आज बेहद चैलेंजिंग और टफ माने जाने वाले तकनीकी क्षेत्रों में लड़कियां भी बेहद तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं और इन कोर्सेज को ऑप्ट करके अब इनकी तैयारी है देश के विकास का हिस्सा बनने की। भारत सरकार की भी यही मंशा है कि हमारे महिलाओं को अधिक से अधिक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो हर एक फील्ड में आगे बढ़ते हैं। वो अच्छा, हमको अच्छा लगे कि हमारे यहाँ की पढ़ी हुई इंजीनियर लड़की किसी भी मल्टीनेशनल में जाके सीईओ के पोस्ट पर जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। इंजीनियरिंग के इन कोर्सेज के दौरान ही फील्ड से जुड़ा एक्सपोजर और इंडस्ट्री विजिट जैसी सुविधाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं इनको मिलने वाले प्लेसमेंट में। वी इन्वॉल्व इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम एंड रिविजन ऑफ करिकुलम। उसका एडवांटेज है कि देन वी प्रोड्यूस व्हाट द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, और उसी के रिलेशन में हम समर ट्रेनिंग कराते हैं। पहले साल के बाद 2 महीने की समर ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ द कोर्स, तो स्टूडेंट्स फैक्ट्री विजिट भी करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और थीसिस सबमिट करते हैं। उस वक्त इंडस्ट्री वॉच करती है उनकी परफॉर्मेंस, और उस